DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की मीडिया ब्रीफिंग से मौजूदा सियासी सूरत हाल में फौज की पोजीशन वाजिया, तमाम कयास आरायां दम तोड़ गई। मेजर जनरल बाबर इफ्तखार की मीडिया ब्रीफिंग के बाद हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से दागे जाने वाले सवालात के काफी हद तक जवाब मिल चुके हैं और फौज के बारे में पाई जाने वाली गलतफहमियों का भी अजाला हुआ। DGISPR ने बताया कि कौमी सलामती कमेटी के इलामिया में साजिश का लफ्ज नहीं है और भी वजूहात होती हैं। इलामिया में लिखा हुआ है कि गैर सफारती जबान इस्तेमाल की गई, अमेरिका की जानिब से फौजी अड्डों का मुतालबा नहीं किया गया। अगर मुतालबा होता तो फौज का भी वही मौकफ होता जो साबका वजीर आजम का था। फौज किसी को NRO देने की पोजिशन में नहीं और ना ही इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन दिया था। ताहम साबका वजीर आजम ने सियासी बहरान हल करने के लिए फौजी क्यादत से राबता किया। अवाम की हमायत फौज की ताकत का मुनबा है और इसके खिलाफ कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फौज में किसी किस्म की तकसीम नहीं की जाएगी, इसे सियासत में ना घसीटा जाए। पिछले 74 साल में तमाम सियासी जमातों का एक ही मुतालबा रहा कि फौज का सियासत से कोई लेना देना ना हो। तामीरी तनकीद मुनासिब है, बेबुनियाद करदार कशी किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है और इसका दिफा करना सबका फर्ज है। इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी मार्शल ला नहीं आएगा। आर्मी चीफ ना तो मुद्दत में तोसी के ख्वाहिशमंद हैं और ना कबूल करेंगे। आर्मी चीफ नवंबर 2022 में रिटायर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम में गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। फौज हुकूमत के मातहत है। उन्होंने बताया कि 2 रोज कबल होने वाली फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में सब ने इत्तफाक किया कि जमहूरियत और अदारों की मजबूती, कानून की बलादस्ती और सब अदारों का आइन के दायरा कार में रहना मुल्की मुफाद में है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगी और पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जलसे और रैलियाँ जमहूरियत का हिस्सा है। ये आज़ाद फिजा बहुत मेहनत और कुर्बानियों से हासिल हुई। DGISPR ने कहा कि साबका वजीर आजम ने दौरा रूस से कबल एतमाद में लिया था। इस दिन किसी के ख्याल में नहीं था कि जिस दिन वजीर आजम वहाँ होंगे वो उसी दिन जंग का आगाज कर देंगे, जो बहुत शर्मिंदगी का बाइस था। दूसरी तरफ DISPR की ब्रीफिंग के बाद तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस ने पाक फौज के बयान की तायीद करते हुए कहा कि साजिश के हवाले से हमारा पैगाम और बयान बहुत वाज़ेह है। अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्जाम में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक जमात की हमायत नहीं करते। वजीर आजम शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत के साथ काम करने के मुंतजिर हैं।